ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद में यानी मोक्ष काल के समय अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मोक्ष काल के समय किस प्रकार से आपको शुद्धिकरण करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इस विषय में बात करते हैं। देखिए, ग्रहण के प्रारंभ में स्नान किया जाता है, ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व, और ग्रहण के मध्य में भी स्नान होता है, लेकिन आप किसी तालाब, सरोवर, तीर्थ या नदी के किनारे हों तो, घर पे हैं तो मध्य में स्नान मत कीजिए, ग्रहण के अंत में स्नान, जैसे कि 11:15 बजे पूर्णतः ग्रहण लगभग पूरे भारत देश से खत्म हो जाएगा। तो जो आप स्नान करें वो वस्त्र सहित करें, अर्थात वस्त्र पहने हुए हों, जो आपने पहन रखे हैं वस्त्र सहित स्नान करें। अब स्नान के लिए आप यदि ठंडे जल से स्नान करते हैं तो बहुत अति उत्तम है, जल को गर्म मत कीजिए, उस जल में गंगा जल डाल लीजिए, और हो सके तो आपकी जो कुश है वो भी डाल लीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। अब स्नान के बाद जो आपने दान निकाल रखा है उस दान को आप मंदिर में पहुंचाइए या गरीबों को भी दे सकते हैं। यदि आप दान निकालने का जो तरीका है, जो सही है तरीका, वो है सूतक लगने से पूर्व ही दान निकाला जाता है। अब सूतक लग गया है, दान आप नहीं निकाल पाए हैं, तो ग्रहण लगने से पूर्व दान निकाला जाता है। ग्रहण लग गया है और दान आप नहीं निकाल पाए हैं तो फिर अब आप स्नान करके और आप दान निकालिए, वह दान मंदिर में पहुंचाइए। दान में बता दूं कि जैसे यह ग्रहण 6 ग्रहों पर पूर्णतः प्रभावित है, 6 ग्रहों के ऊपर पूरी तरह से जमावड़ा लगा हुआ है, एक ही राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हुए हैं, धनु राशि में, केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, तो 6 ग्रहों का आप चाहें तो अलग अलग दान निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, आप गुड़ सूर्य के लिए हो गया, गेहूं थोड़ा निकाल दीजिए सूर्य के लिए हो गया, चना मंगल के लिए हो गया, चावल चंद्रमा और शुक्र के लिए हो गया, चने की दाल बृहस्पति के लिए हो गई, मूंग की दाल बुध के लिए हो गई, उड़द की दाल शनि आदि राहु के लिए हो गई, तो इन सभी का दान आप जो है इस प्रकार से अलग अलग पैकेट में या अलग अलग स्थान में आप रख करके मंदिर में जाएं और ब्राह्मण देवता को प्रदान करें, आशीर्वाद लें, और आप अपने मंदिर को जब आप स्वयं स्नान कर लें तो गंगा जल से बहुत अच्छी तरह से आप अपने घर को शुद्धिकरण करें, पवित्र करें, अपने मंदिर को बहुत अच्छे से आप जो है सफाई करें, अब भगवान का बहुत अच्छे से स्नान कराएं और मंदिर को भी धुलें और उसका भी पोंछा करें, मंदिर का भी बहुत अच्छे से पोंछा लगाएं, तो इस प्रकार से आप जो है शुद्धिकरण करें। और शुद्धिकरण के बाद अब आप अपने किचन में आएं, किचन में इसी प्रकार करें कि जो बचा हुआ खाना है या तो उसको आप खाना को अलग कर दें, उस खाना को ग्रहण ना करें, रसोई को पूरी तरह से शुद्ध करके पवित्र करके और फिर खाना को आप बनाएं, वह स्वच्छ और पवित्र खाना को ग्रहण करें। बाई देवी यदि आप खाना नहीं वह निकाल सकते हैं, किनारे नहीं कर सकते हैं, खाना ही है आपको, तो उस खाने में तुलसी का पत्ता डाल करके और फिर आप ग्रहण करें, तो वह खाने के अंदर जो सूर्य ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक जो उसका प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। इसके बाद दान में आपकी यथा श्रद्धा जो है वह आप दान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही दान करें। तो बस ये मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद इस प्रकार से आप अपने मंदिर को साफ करें, इन चीज़ों का दान करें, इस प्रकार से स्वयं स्नान करें और फिर आप जो है स्नान के बाद भी एक माला गायत्री मंत्र का या एक माला भगवान शिव के मंत्र का या भगवान विष्णु के या सूर्य के मंत्र का जाप करके फिर कुछ आप जो है ग्रहण सूर्य अर्घ देने के बाद कीजिए, तो बहुत अत्यधिक आपको लाभ होगा और सूर्य ग्रहण के दोष से आप बचेंगे। तो बस इतना ही, नमस्कार।